अच्छा सुशील, अपने बारे में बताइए, अबाउट योर सेल्फ। सर मैं 12th क्लास परसों में चल रही है मेरी, और इससे पहले मैंने 10th की थी, और सर 10th के बाद आईटी की थी। सर आईटी करने के बाद फिर मैंने एक जगह जॉब की थी, एजल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें एक साल का एक्सपीरियंस था सर मेरा। और सर मेरी हॉबीज़ है सर, मैं गिटार प्ले करता हूँ, और सर जैमिंग वगैरह करता हूँ अपने फ्रेंड के साथ। और सर जैमिंग सर जैसे थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा सर, जैसे कि तीन चार जो बॉयज़ या फिर गर्ल्स बॉयज़ तीन चार मिलके जो मिक्सअप बनाते हैं उसे जैमिंग कहते हैं सर। मिक्सअप गाने में या म्यूजिक में? सर जैसे मान लो आप तो मैं सर आप जैसे गिटार प्ले कर रहे हो और सर ड्रम प्ले कर रहे हैं, और मैं जैसे वोकल कर रहा हूँ, इस टाइप से उसे जैमिंग बोलते हैं, ताकि आगे आने वाले में फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो, अगर आप उसी लाइन में आगे जाना चाहते हैं। बट सर अभी उस लाइन में कोई वो नहीं है, लेकिन इट्स अ पैशन। तो व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर? सर आई वांट टू बिकम अ अकाउंटेंट, बिकॉज सर आई लाइक इट दिस अकाउंटेंट सब्जेक्ट सर। अकाउंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ, बिकॉज सर आई एम वेरी इंटरेस्टेड फॉर दिस अकाउंटेंट जॉब। सो सर आई बिकम अ अकाउंटेंट। यदि मान लीजिए आपको कोई जिम्मेदारी का काम दिया जाता है जी सर, और आपका टाइम ओवर हो गया है जी सर, मतलब बट काम नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे इसके? तो सर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तो सर मेरे को वो काम करना पड़ेगा, और जब काम ख़त्म हो जाएगा उसी के बाद में जा सकता हूँ, क्योंकि सर हो सकता है उससे कंपनी का लॉस भी हो सकता है, हो सकता है कुछ ज़्यादा और भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो मेरे 2 घंटे रुकने से शायद हो सकता है सर वो काम कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं वो काम कंप्लीट करके ही करता हूँ। आप टीम में काम करना पसंद करते हैं या अकेले? सर ये डिपेंड करता है सर कि जो मेरे सीनियर हैं वो मेरे को किस उसमें डालना चाहेंगे, मेरे को देख के आप टीम में रहोगे या फिर उसमें रहोगे, लेकिन अगर मैं अपनी राय दूँ तो सर वैसे मैं अपने अकेले ही काम पसंद करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर टीम में रहूँगा तो सर उससे बोलूँगा ये काम कर दो वो काम कर दो, लेकिन अगर मैं अकेला रहूँगा तो सर मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है सर कि मुझे क्या करना है और मैं क्या करूँगा। अकेले तो कुछ किया नहीं हो सकता अकेले, बट कोई भी काम जो होता है वो टीम में होता है, या आप मान लो मैनेजर बनेंगे तो आपकी टीम होगी, बट वो सर मेरे को मतलब आपने बोला टीम में काम करेंगे, मतलब वो टीम के अंदर मतलब भी हो सकता है मेरे से बड़ा कोई हो, अगर मैं टीम संभालूंगा तो सर एग्जैक्ट मैं टीम में काम करना चाहूँगा। नहीं ऐसा भी होता है कि आप सभी लोग लगभग बराबर के हैं जी, ठीक है ना, और टीम नई टीम बनाई गई है, कहते हैं ना कमेटी बनती है गवर्नमेंट की कभी किसी काम के लिए, तो उसमें सभी लोगों को चुन लिया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें किसी को हेड भी बनाया जाता है, किसी को सब हेड बनाया जाता है, किसी को कुछ किसी को, तो टीम वर्क सक्सेस होता है हमेशा लाइफ में, ठीक है ना। और आप सोचें कि आपको ही लीडर बनाया जाए तो आवश्यक नहीं है ना ऐसे। वही तो मैंने तभी तो बोला सर, अगर मेरे सीनियर चाहेंगे तो मेरे को टीम में भी भेज सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि, और वैसे मैंने अपनी राय तो बता दी सर, क्योंकि अगर वैसे सर ये बात सही है कि टीम सक्सेस होती है, बट सर एक व्यक्ति भी सक्सेस होता है अगर वो सही से काम करे तो। चलिए ठीक है, थैंक यू सर।